सर सर बहुत बहुत स्वागत है मंदार सर आपका फीफा बूस्ट टीवी में। सबसे पहले तो सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल कि कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, बढ़िया अप्रतिम। अच्छा लग रहा है ये सुन के कि फर्स्ट क्लास है। तो कैसा रहा ये टाइम? तो ये एक बैटल ही कहेंगे, क्योंकि जैसे टाइम से जब पूरा देश, पूरी दुनिया जो इससे बैटल कर रही थी, लड़ाई कर रही थी, आपने भी जी किया टाइम था। बिल्कुल, जब पता चलता है कि जिससे दुनिया जूझ रही है वो अपने घर में आ गया है, तो थोड़ी बहुत तो हलचल होती है। लेकिन मुसीबत चाहे कोई भी हो, आपको डट के मुकाबला करना है। यही एक सिंपल सा फंडा है लाइफ का। बिल्कुल भी टेंशन ना लेते हुए जो है, जिस हिसाब से है, जो रूल्स है, जो गाइडलाइंस है, उसे फॉलो करने हैं। एंड बस वही किया एंड आई एम थ्रू। इसके जैसे हमें जितना पता है कि तारक मतलब के टेस्ट पे यूजुअली लोग अलाउड नहीं होते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शन, बहुत ध्यान रखा जाता है हर चीज का, हाइजीन से लेकर के हर एक चीज का। बट जी मतलब लगा था कि इतनी सब चीजों को लेकर के चलना, इतना हाइजीन मेंटेन करके इतना सेफ चलना, उसके बाद भी कोविड पॉजिटिव आप हो गए, ये लगा था? नहीं, ऐसा लगा तो नहीं था, किसी को भी नहीं लगता। बेसिकली देर आर सर्टन थिंग्स। अभी मैं तारक मेहता के सेट पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं घर भी आ रहा हूँ। घर से मैं गाड़ी पार्क करके लिफ्ट में आके आता हूँ, कभी कभी सीढ़ियों से चढ़ के घर के अंदर भी आ रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जरूरी नहीं कि वो सेट पे ही हो। अगर सेट पे हुआ होता तो किसी और को भी हुआ होता, मेरे साथ जो मेरे को आर्टिस्ट है उनको भी हुआ होता, लेकिन उन सभी के रिपोर्ट निगेटिव आए। तो मतलब ये सेट का मामला था ही नहीं, मामला कहीं और था, अपने को मालूम नहीं है। बिकॉज मैंने जितना महसूस किया है, अभी मेरे ख्याल से अभी ये जो वायरस है, अभी ये एयरबॉर्न है। बेसिकली इट इज लाइक अ नॉर्मल टिपिकल वायरल फ्लू। हाँ, एक इसमें खाली एक बात ये है कि इन्फेक्शियस ज्यादा है, और इसलिए इन्फेक्शियस होने के लिए, अभी इन्फेक्शियस तो अपना नॉर्मल कोल्ड भी होता है। अगर मुझे सर्दी हो रही है तो किसी और को अगर मेरी छींटे जाएगी तो उसको सर्दी तो होनी ही है। लेकिन इस मामले में ऐसा है कि आपका इन्फेक्शियस तो है, लेकिन साथ ही साथ इसकी कोई दवाई, ठोस दवाई मौजूद नहीं है। और अगर आपकी इम्यून सिस्टम गड़बड़ है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको अगर ये होता भी है तो भी कोई तकलीफ नहीं है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। मैं हमेशा से एक्सरसाइज करता आया हूँ, अपने आप को फिट रखता हूँ, अपने डाइट पे कंसिडर करता हूँ। शायद इसकी वजह से नॉर्मल मुझे कोल्ड आया, एक बार फीवर, स्मेल टेस्ट चला गया, और फिर मैं आता डिन में रिकवर हो गया, जैसा हमेशा होता है। तो इसमें एक चीज बस इस चीज का ध्यान रखना है कि बाहर अभी जैसे हमको नहीं पता कि हम कैरियर है नहीं है, तो इसलिए हमें बस ध्यान रखना है कि भाई जब तक निगेटिव आए आप तब तक घर पे रहो, उसके बाद आप शुरू करो। सर इसमें एक चीज ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने तो ये सिर्फ आपके पास बीती है चीज, अभी तो टच वुड आप से रिकवर हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। मेंटल स्टेबिलिटी कितना जरूरी है इसमें, मतलब दिमाग भी संतुलित? बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। सी, मेरे ख्याल से आपकी इम्यून सिस्टम में ना आपकी मेंटल, आपकी पॉजिटिविटी बहुत काम करती है। अगर मैं पहले से सोच लूं, हार मान लूं कि अरे यार ये क्या हो गया मुझे ऐसा, तो आपका अंदर जो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगी। बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर से इंटरकनेक्टेड होता है सारी चीज। अब जितना आप पॉजिटिव रहो अपने दिमाग में, उतनी आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगी, उतनी आपकी रोग प्रतिकार शक्ति इतनी स्ट्रांग रहेगी। तो सबसे पहले तो बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना था, नॉर्मल रहना था, और एकदम हाँ ठीक है, एक नॉर्मल सा एक बुखार है, वायरल है, आएगा और चला जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, फैमिली फ्रेंड्स और साथ ही साथ को एक्टर्स ने कितना सपोर्ट किया, कितना वो लोग आपसे, फैमिली तो ऑब्वियसली टच में रही, बाकी लोग कितना टच में रहे, कितने आप? हर हर दिन मेरे प्रोडक्शन हाउस, मुझे हर दो दिन में फोन था पूछने के लिए। प्रोडक्शन हाउस मेरा बहुत ही कोऑपरेटिव रहा है पहले से ही, नॉट इनली दिस मैटर। मेरे आसिद भाई जो प्रोड्यूसर है, वो मुझे दो तीन दिन में हमेशा फोन करके पूछते थे कि कैसे ही तबीयत है, कैसा है। वो भी गुजर चुके हैं इस दौर से, उनको भी हुआ था, वो भी एक्सपीरियंस थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि जैसे ही क्वारंटाइन पीरियड खत्म होता है तुम अपना डिसीजन ले लो, तुम्हें कितने दिन आराम और करना है, उसके बाद ही हम लोग शूटिंग रिज्यूम करेंगे। तो ऐसा नहीं कि भाई जैसे क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया दूसरे दिन से मैंने शुरू किया, ऐसा नहीं है। मैंने बिल्कुल भी एक हफ्ता आराम किया है और अभी मैं शूटिंग शुरू करूँ।
सर थोड़ी बहुत वीकनेस आई है इसको लेकर के, या फिर अभी नाउ यू एकदम फिट एंड फाइन? बिल्कुल सी वीकनेस तो डॉक्टर ने भी बोला था कि वीकनेस रहती है, अंदरूनी रहती है, पता नहीं चलता बिल्कुल भी। इसलिए मैंने ये एक हफ्ता इसीलिए मांगा था कि ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितना एग्जर्ट करना है बॉडी को, तो उस हिसाब से मैं अपना जैसे अपना मैं शूटिंग करूंगा। और मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, सबको मालूम है, इससे ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं रहेगा, एक नॉर्मल सा शेड्यूल रहेगा जिसमें आप काम करो, घर पे आओ, आराम करो, दैट्स इट। अच्छा एक चीज और, आपके तो इतने फैंस है, तारक मेहता के लाखों फैंस है, करोड़ों फैंस है, उनको कुछ अगर बताना चाहें कि मान लो घर पे भी रहकर भी किस तरीके से थोड़ा सा प्रिकॉशन, या जिनको ऐसी चीजें अभी, क्योंकि अभी सर कोविड नहीं लेकिन फ्लू टाइप भी चला है, तो खांसी बुखार सर्दी को कोल्ड एंड कफ हो रहा है बिल्कुल अभी बिल्कुल जो, चला है। मेरे ख्याल और से अभी ये जो गाइडलाइन है अपने, इससे बचने का एक ही उपाय है, मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, और टाइम टू टाइम स्टीम और ये सारी हाथ सैनिटाइज करना। ये तीन चीजें आप अगर करेंगे तो आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और अगर गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर ये अनफॉर्चुनेटली हो भी जाता है तो पैनिक ना हो, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल चीज है, आता है, वायरल है, आएगा, थोड़ी दिन रहेगा, आपका मेहमान नवाजी आपकी लेगा, उसके बाद निकल जाएगा। अच्छा नहीं हाँ ये आपका तो, आपकी बात सही है, मतलब पॉजिटिव थोड़ा सा रह अपने आप को लेकर के चलना बिल्कुल, है आपको। सिर्फ अंदर पॉजिटिव, मतलब अभी मुझे यहाँ पे तो मैं पॉजिटिव आ गया हूँ, यहाँ पे अभी मुझे अंदर पॉजिटिव रहना है कि भाई कि कुछ नहीं है, ठीक है, ये निकल जाएगा। एग्जैक्टली सर, लेकिन एक चीज और है, थोड़ी सी बुरी खबर ये है कि अभी बैक टू बैक सेट्स पे हो रहे हैं कोरोना को, अभी बहुत सारे कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं अभी अभी 3 दिन से बैक टू बैक सब जगह, ये शायद आपको भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा कि बैक टू बैक अभी जी केसेस चालू हो गए हैं, तो ये इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब अभी बैक टू बैक जो केसेस आ रहे हैं और शूटिंग खास करके टीवी में? मेरे ख्याल से जब क्या कहते हैं ना, दिया जब बुझने होता है तो उसकी लौ बड़ी हो जाती है, तो मेरे ख्याल से अभी ये इसका आखिरी टाइम चल रहा है, तो जाते आते सबको हाई करते हुए जा रहा है वो, और उसमें कुछ इतना मतलब पैनिक होने जैसी बात नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमें पता चल रहा है कि इसकी जो फेटलिटी, फेटल जितना तो वो फेटल था उतना फेटल अभी रहा नहीं है। एक बात तो हमें पूरे 1 साल में पता चल गई है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस ये आएगा, बॉडी में रहेगा और निकल जाएगा। तो अपने आप को एक्सरसाइज करनी है, फिट रहना है, और बस नॉर्मल रहना है और कुछ नहीं, गाइडलाइन फॉलो करनी है। आपने अपना टाइम कैसे निकाला, क्या क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज किया घर पे या फिर काफी कभी सारी ये? बुक्स ओ काफी सारे बुक्स की रीडिंग हो गई मेरे से, काफी सारे बुक में दो दो बार मैंने पढ़ा। मैंने चार्लिन चैपलिन को 2 बार पढ़ा, फिर से उनकी बायोग्राफी है वो पढ़ी, तो वो जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। काफी सारे अच्छे अच्छे वेब सीरीज देखी, मूवीज देखे, तो जितना टाइम था वो अच्छे से यूटिलाइज हुआ, टाइम कट गया अच्छे से। लेकिन जिन्हें आदत हो जाती है ना काम करने के लिए, वर्किंग आप तो काफी टाइम से कर रहे हैं, अब देखो ना, थोड़ा अभी तो 13 साल के बाद मुझे पहली बार ये 14 दिन का गैप मिला। सी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी आपको बोलती है कि भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। अगर आप सुनते नहीं है तो फिर इस हिसाब से बॉडी अपना समय निकाल लेती है जहां पे आपको रेस्ट करना ही पड़ता ओके हाँ ये भी बात है, है। आपने से वो दिया वाली बात भी बोली तो काफी डीप मीनिंग था कि जब दिया बुझ बिल्कुल, जा रहा मुझे हो। ऐसा ही लगता है कहीं ना कहीं कि ये भी जाने की कगार पे है, तो थोड़ा सा बड़ा होके ऐसा वो निकल जाएगा, मतलब पूरा। अच्छा एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके जो पीछे जो बैकग्राउंड है पूरा हाँ जी, ये, सितारों का, जहाँ सितारों का पूरा भरा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पूरा वर्ल्ड मैप लगाया हुआ है। ओ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, दिस इज एक्चुअली माय सन्स बेडरूम, तो उसके लिए मैंने ये सब एंट्री कराया था, ताकि विजन थोड़ा बड़ा रखो आप, कि दुनिया आपको घूमनी है, आप सिर्फ भारत नहीं, काफी पूरे दुनिया पे आपको जाना है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच रखो तो आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, यही बेसिकली थॉट है। मतलब ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि सर आपने मतलब ये जो थॉट है उसको आपने सामने लाया, मतलब ये एक रूम में, हाँ, क्योंकि मतलब आप आप सामने एक हाथ एक चीज रखते हैं आप मुझे, कि भाई मैं यहाँ पे घूम गया, चलो मुझे यहाँ देखना, अभी मुझे क्या देखना बाकी है, वो मेरा अमेरिका देखना बाकी है, मेरा
लंदन देखना बाकी है, मेरा ऑस्ट्रेलिया देखना बाकी है, तो ये आपके सामने अगर आपकी चीजें रहती है तो आप उस हिसाब से आप स्ट्राइव करते हो, उस हिसाब से आप अपना काम करते हो ओके सो अभी रादर देन पुटिंग प्ले इन बॉल। ओके नहीं बहुत जरूरी है ये चीजों से मतलब वाकिफ होना, ये सब चीजों के बारे में नॉलेज रखना, बिकॉज अभी जैसे जैसे टाइम बदल रहा है चीजें भी बहुत टेक्नोलॉजी भी तभी नहीं आ रही है ना, सब चीजों से अवेयर होना जरूरी है। बिल्कुल सर एक दो क्वेश्चन मेरे और हैं, मैं ये पूछूंगा कि शूट की अगर बात करें तो अभी क्या कुछ और चीजें शूट चल रहा है, कैसे मतलब अभी अभी सब लोग शूट पे आ रहे हैं या फिर थोड़ा थोड़ा मतलब अभी नहीं? अभी कॉम्बिनेशंस तो ज्यादातर अवॉइड कर रहे हैं, कॉम्बिनेशंस कभी कभार होते हैं, पांच से छह आर्टिस्ट में ही शूट होता है। अभी मैं पिछले दिन कई दिन से तो घर पे हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे पता चल रहा है जहाँ पे ज्यादा आर्टिस्ट है नहीं, मैक्सिमम 5 to 6 पीपल दे आर शूटिंग, और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जहाँ पे कॉम्बिनेशन मतलब सारे आर्टिस्ट होते हैं। और चूंकि जैसे अभी हम लोग केसेस बढ़ गए तो उस हिसाब से वापस स्टोरी लाइन में भी बदलाव आ गया है, और फिर से आर्टिस्ट कम है, ज्यादा नहीं है। सर अभी जाते थे आपके फैंस व्यूअर जितने भी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक वॉरियर हैं नो डाउट, जंग से कम नहीं था जो आपने जीता। हाँ मतलब मैं खाली एक ही बोलूंगा कि वॉरियर बनो, कैरियर मत बनो। तो जैसे ही होता है पता चलता है कि अगर कहीं ना कहीं भी आपको जरा भी ऐसा लगता है कि है सी, टेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उल्टा हम अपने साथ साथ दूसरों की भी सेफ्टी रखते हैं। अगर आपको पता चलता है कि मुझे थोड़ा बहुत बुखार है, जा नहीं रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, या स्मेल नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा, आप इमीडिएटली आप करवा लो। इसका एक प्लस पॉइंट, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको नॉर्मल हो भी जाता है अगर, तो उसके बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है जो कि बहुत जरूरी होती है, तो आपको बाद में खतरा नहीं होता है, तो आप फुल आप फिर वॉरियर बन जाते हैं एक तरह से, क्योंकि आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज बन जाती है, फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा सब कुछ भूल जाना है और फिर मैं यहाँ तो मैं मुझे तभी कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, बट आपको आप थोड़े से सेफ हो जाते हो आप, लेकिन फिर भी आपको गाइडलाइंस को तो फॉलो करना ही है, मास्क लगाना ही है, सैनिटाइज तो करना ही है। तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऑलमोस्ट जैसे बोलते हैं ना कि हाथी चला गया है, पूंछ रह गई है, तो बस इस पूंछ को हमें जल्द से जल्द भगाना है। इसके लिए हमें अपना ख्याल रखना है, और अपने साथ साथ बेसिकली हम अपना ख्याल रखेंगे इसका मतलब ही हम दूसरों का ख्याल रखेंगे ऑटोमेटिकली। आज 8:30 बजे चीफ मिनिस्टर जो हमारे महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे जी, वो भी आज लाइव आने वाले हैं। ओ अच्छा, आज आने वाले हैं? अरे बाप रे, केसेस बहुत राइज हुए हैं कल, अराउंड 9000 केसेस आए पॉजिटिव। ओह यस, तो क्या लगता है कि कुछ बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं? मेरे ख्याल से लॉकडाउन तो जैसे कह रहे थे वैसा नहीं होगा, लेकिन हाँ काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस तो आने वाले हैं, जो कि मेरे ख्याल से ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने कुछ सोच के डिसीजन लिया होगा, क्योंकि काफी सारे लोग इतना बोलने के बावजूद भी मास्क का इंतजाम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो खुद सिम्टोमेटिक होते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन हर एक की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, तो जिन्होंने मास्क पहना है उनको तकलीफ हो सकती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो जिन्होंने मास्क नहीं पहना है तो उनसे वापस एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज मास्क पहना करे, सैनिटाइज करे और डिस्टेंस मेंटेन करे। आई नो मुंबई में डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत तकलीफदायक है, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक हम लोग कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे एक और चीज का अभी ये हुआ था कि होटल्स वाले लोगों ने प्ली किया, मतलब उन्होंने एक अपनी अर्जी रखी थी कि हमारे साथ ऐसा ना हो कि हमको क्यों बंद किया जा रहा है, क्योंकि होटल्स जो क्लब्स और बंद कर रहे हैं जो भी, ठीक है, वो लोगों ने कंपेयर किया था कि ट्रेन बसेस में भी सेम रश होती है, मुंबई लोकल्स तो आपको पता ही है किसी के लिए फेमस है कि वहाँ पूरा सब ट्रैवल करते हैं, तो उनको नहीं बंद किया जा रहा है बट हमारे पर रेस्ट्रिक्शंस लगा करके किए जा रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और साथ ही एक और इसमें ऐड करूंगा मैं ये कि अगर मान लो मतलब भगवान ना करे ऐसा कि शूटिंग के लिए भी बोलते ही रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि प्रिकॉशन लेकर के शूटिंग भी चालू रखनी चाहिए या चीजों को, या फिर थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक देना चाहिए, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से अभी देखोगे आप तो लास्ट टाइम जब हमने लास्ट ईयर लॉकडाउन किया था, ठीक है, जब हमने जुलाई में शूटिंग शुरू किया था सब लोगों ने, सभी इंडस्ट्री शुरू हो गई थी, उसके बाद केसेस तो ऐसा नहीं हुआ ना, जादू तो नहीं हुआ था ना कि केसेस कम हो गए थे या बंद हो गए थे, प्रिकॉशंस लेके हम तब से शूटिंग कर रहे हैं, तब से, और
इसका आज उदाहरण ये है कि आज जुलाई से लेके ऑलमोस्ट मार्च महीने तक मेरे ख्याल से सुंदरलाल भी मेरे ख्याल से सेट पे नहीं था। वो जब गुजरात में घूम रहा था तब उसको कोरोना हुआ था। आज मुझे हुआ, पहले मेरा आर्टिस्ट में तारक मेहता के सेट पे मेरा पहला केस होगा। तो जुलाई से लेके मार्च तक हम लोग ने पूरा एहतियात बरते, पूरे प्रिकॉशंस लिए, उसके बावजूद भी उसके बाद इतना होने के बाद इतने महीने बाद एक केस आया है। अगर आप सोच सकते हैं मतलब कितना प्रिकॉशंस लिया जा रहा है। Exactly. और जरूरी नहीं कि शूटिंग पे ही हो, शूटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी चीजें कहाँ कहाँ से होती है, लेकिन हर एक की वजह से नहीं होता है। आप बहुत सारे लोग कहीं कहीं और भी जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उनको जब वो शूटिंग पे आते हैं तो कहीं ना कहीं से तो आपको अगर होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शूटिंग की वजह से हुआ। हाँ, जैसा आपने बोला होटल्स, ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, उनके भी उनका भी बिजनेस है, उनपे डिपेंडेंट काफी सारे लोग है, उनपे क्या काफी सारी फैमिलीज डिपेंड है। तो एक ऐसा एक 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 मध्य बोलते कि ऐसा मीडिएट करना चाहिए जहां पे उनका भी नुकसान ना हो और उनका काम भी चलता रहे और उनके भी रेगुलर इनकम उनको होती रहे। जैसे अभी जैसे अगर होटल वाले खुद थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाए और जैसे ही पब्लिक आती है उनको सैनिटाइज करना, अभी जैसे कम हो गया था, दोबारा सैनिटाइज करना और डिस्टेंस मेंटेन करके आप होटल्स को शुरू करें 50% या 75% में, तो ऑब्वियसली वो भी अपना काम कर सकते हैं। वेटिंग अलाउड ही नहीं हो कि भाई लोग वेट कर रहे, और जाहिर सी बात है अभी ऐसी सिचुएशन में लोग भी खुद से सोचेंगे कि कितना बाहर जाना है नहीं जाना है, उनकी होम डिलीवरी आप चालू रखो जैसा है वैसा, जिससे आपको अभी काफी सारे लोग इतने लोग है कि जो होटल्स पे डिपेंड है, वो कोई लग्जरी के लिए नहीं लेकिन उनकी नेसेसिटी है होटल का खाना खाना, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा उपलब्ध ही नहीं, उनके पास दूसरी कोई उपलब्धि नहीं जहाँ पे वो कुछ कर सके। उनके पास ना किचन का साहित्य है, ना उनके पास घर प्रॉपर किचन, कोई बहुत पेइंग गेस्ट रहता है जो इसी पे डिपेंड होते, तो ना ही होटल वाले बल्कि उनके उन पर डिपेंड काफी सारे लोग भी यहाँ पे सफर कर सकते। तो ऑब्वियसली सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसी क्या हम लोग इसमें ऐसा ऐसा एक सोल्यूशन निकाले जिसमें उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और भीड़ भी ना हो। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हम भी यही चाहेंगे कि ये महामारी से जल्द से जल्द सबको मुक्ति मिले और बिल्कुल चाहेंगे कि आप हेल्दी रहें और ऐसी एंटरटेन करते रहें सारी टीम तारक मेहता की, और जल्द सेट पे मिले, हम सेट पे हमें बुलाएं, सेट पे हम आए आपसे मिलने के लिए। बस बिल्कुल बिल्कुल बहुत जल्दी करेंगे। थैंक यू सो मच सर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, मिलते हैं फिर। यस, यू टू, थैंक यू सो मच।